हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है और ये आपको भली भांति पता ही होगा, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है और क्या आपका कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है, यानी कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का कट ऑफ काफ़ी कम जाने का संभावना है। इसके पीछे दो तीन रीज़न है जो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला एक यह है कि इसमें ग्रेजुएशन वाले भी यानी कि ग्रेजुएट पर्सन भी अप्लाई किए थे और जिसकी वजह से मेरिट तो ज़्यादा जाएगी, लेकिन उनका अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो उन्हें डीवी या एलपीटी के लिए छाड़ दिया जाएगा, जिसके बाद से जो आपका यानी कि जो हाई स्कूल किए हुए कैंडिडेट रहेंगे उनको ही मौका मिलेगा। तो इस तौर पे अगर देखा जाए, यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वह काफ़ी कम जाने का संभावना है। और देखा जाए यानी कि आरबीआई का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आरबीआई इसे पहले ही छाड़ ले, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन किए हैं उनको पहले से ही छाँट दे, ऐसा कोई प्रावधान आरबीआई में नहीं है। लेकिन अगर ये यानी कि बहुत ही ज़्यादा लड़कों को सिलेक्शन करेगी, तो जिसमें से जो हाई स्कूल किए हुए कैंडिडेट रहेंगे और जिन्होंने हाई स्कूल पे फॉर्म भरा है, तो उनको यहाँ पर पूरा का पूरा चांस है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले छट जाएंगे और जिसके बाद से जो दसवीं वाले रहेंगे यानी कि मैट्रिक वाले रहेंगे उनको यहाँ पर पूरा का पूरा मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है वह काफ़ी कम जाने का संभावना है। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कट ऑफ, लेकिन उस वीडियो के हिसाब से देखा जाए यानी कि उस कट ऑफ के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कम जाने का संभावना क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन वाले भी बहुत ही ज़्यादा भाग लिए हैं और यहाँ पर फर्स्ट रीज़न आपका यह है। और दूसरा रीज़न यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने पूछा तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 90 या 80 या ऐसे ही सही बने हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वह थोड़ा सा लेस हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में कुल टोटल कितना भीड़ यानी कि गैदरिंग है, यानी कि कंपटीशन है। तो पहला यानी कि टोटल फॉर्म फिलअप देखा जाए तो यहाँ पर 3.5 लाख हुआ था, और जबकि टोटल जो पोस्ट है वह 841 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ होनी थी, और जिसमें यानी कि देखा जाए कंपटीशन, तो कंपटीशन जो है वह 416 पर पोस्ट है, यानी कि अगर आप 3.5 लाख/841 अगर कैंडिडेट का करेंगे तो यहाँ पर आपको 416 यहाँ पर आ जाएगा, जो कंपटीशन है पर पोस्ट वाइज है। और अटेंडेंस देखा जाए तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में अटेंडेंस देखा गया है वो समथिंग में 70% था, और जो गुड अटेम्प्ट है वह 100+ है, यानी कि 100+ गुड अटेम्प्ट है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए एग्ज़ाम का लेवल, तो जो आपका एग्ज़ाम का लेवल रहा है वह थोड़ा सा इजी रहा है, यानी कि थोड़ा सा इजी रहा है, लेकिन फिर भी यानी कि पिछली साल के जैसा ही इजी था, इस बार भी कोई ज़्यादा इजी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए यानी कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जनरल का 88 से 92, ओबीसी का 83 से 89, और शेड्यूल कास्ट का 78 से 82, और एसटी का 73 से 76। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस बार आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का यानी कि वर्ष 2021 में जो आपका 841 पदों के लिए भर्तियां हुई नहीं है, इसके लिए यहां पर देखा जाए कट ऑफ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर कट ऑफ जो है आपका 85 से प्लस में रह सकता है, यानी कि मैंने यह पिछली वीडियो में बताया था कि आपका कट ऑफ 90+ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका यानी कि 5 नंबर जो है वह यहाँ पर कम होने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वह थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग करते हैं यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 78 यानी कि 77 से प्लस में जाएगा,
और दोस्तों अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा कटाव जो है इससे कम ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और यहाँ पर यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 75 से प्लस में रहेगा, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यानी कि आपका जो कट ऑफ है वह 68 से प्लस में रहेगा, और अगर आप शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वह 65 से प्लस में रहने का संभावना है। तो फ्रेंड्स आपका कट ऑफ जो है इतना ही रहेगा, यानी कि इससे 2 नंबर प्लस या माइनस हो सकता है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इसका रीज़न मैंने आपको बता भी दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।